नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पीलीभीत जनपद के बीसलपुर विकास खंड में एक गांव पड़ता है खनका उचिसिया। जरा इधर दिखाइए, 25 दिसंबर 2016 का इस बाजार का उद्घाटन हुआ था। अब इसमें देखिए, आज तक इसमें कभी बाजार नहीं लगी ना। इसमें देखिए क्या क्या होता, देखिए लगता है इधर जानवर बनते हैं। और ऊपर 25 दिसंबर 2016 का इसको उद्घाटन हुआ था। बता रहे थे यहाँ के विधायक, पहले श्री राम शरण वर्मा जी थे, उनके काल में अब भी वही विधायक हैं, मगर यहाँ अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं हुई ना आज तक इसमें बाजार लगी है। और देखिए इसमें कैसा हो रहा है, सरकार देखो बना के छोड़ देती है, फिर इधर कोई देखने नहीं आता है कि यहाँ क्या क्या होता है। देखिए इसके पास में आज तक जब से ये बनी है ना इसमें कभी बाजार लगी है ना कभी कमेटी इसमें गठित हुई है। और इधर देखिए जरा, कम से कम जब भी आता हूँ इधर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के एक बार बजट लॉन्च हो जाता है, काम हो जाता है, उसके बाद उसकी सरकारी चीज़ की कोई देखावारी नहीं होती है, ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही हो रहा है। रुपए का अगर यहाँ बाजार लग जाए तो दूर दूर लोगों को काफ़ी आराम हो। और इधर से इधर देखिए, कोई देखने वाला इधर का नहीं है। और इधर देखिए क्या हालत हो गई, इसकी कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं है इसकी। और आप इधर देखिए, इसमें जानवर वगैरह बंधे रहते हैं मगर लोग कोई कहने वाला नहीं है। अगर यहाँ इसकी कोई देखावारी करने वाला नहीं है। देखिए इसमें 24.40 की लागत से, लाख की लागत से मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाएंगे, इतना रुपए लगा है। अगर इतना रुपए और कोई काम में लगता तो क्या हो सकता था, कुछ हो सकता था। मगर देखिए वहाँ से वहाँ तक इतनी बड़ी बाजार बन गई, यहाँ अभी तक बाजार नहीं लगी है। और देखिए ये पत्थर भी, फरस भी टूटने लगा है, मगर अब अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। और इधर देखिए आप, जब से बाजार बनी है तब से यहाँ आज तक कमेटी क्या कुछ भी गठित नहीं हुआ। बाजार बन गई, उद्घाटन हो गया, बस उन लोगों ने अपना काम पूरा किया, चले गए, फिर इसकी कोई देखावारी नहीं हुई। और मैं देखूं ये लोग, कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनसे जानते हूँ। भैया आप अपना नाम बता दीजिए। जगपाल। यहाँ बाजार कितने दिन हो गए बने? बाजार कितने दिन गए चला हूँ यहाँ, जब से अभी तक बाजार लगी या नहीं लगी एक बार भी? ना, कोई ना, कुछ ना लगा। उसके बाद जब से ये बनी है बाजार तब से कोई देखने आया? ना, कोई देखने नहीं है। कोई नहीं देखने आया। बता दीजिए भैया। मेरा नाम मोहनलाल। आप लोग चाहते हैं यहाँ बाजार लगे? हाँ, बाजार लगना चाहिए। और देखिए भैया, सभी ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ बाजार लगनी चाहिए, मगर कोई देखने तक नहीं आया, क्योंकि इसको 26 दिसंबर 2016 को इसका उद्घाटन हो गया, श्री राम शरण वर्मा जी ने किया था, क्योंकि वो पहले भी विधायक थे, अब भी हैं, मगर उसके बाद देखने नहीं आए। क्योंकि कैसे हो रहा, सरकार के रुपये का भ्रष्टाचार, सरकार जाने वाली है, अभी तक इसकी कमेटी गठित नहीं हो पाती है। योगी सरकार कहती है मैं तो रुपये देता हूँ, मगर कोई योजना आएगी कैसे, कोई देखने वाला है नहीं, केवल उद्घाटन हो जाता है। और इधर देखिए, स्वास्थ्य अस्पताल बनाए, बिल्डिंग के जरा दर्शन कर लीजिए, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पता लग रहा है कब से पुती नहीं और क्या इसके डिजाइन है, क्योंकि इधर कोई देखने नहीं। मात्र से यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी में इस गाँव की तहसील है जो बीसलपुर है, वहाँ SDM साहब सभी लोग बैठते हैं, मगर ये गाँव मैं रोड पर पड़ता है, मगर इसे कोई देखने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार इस बोर्ड के दर्शन कराऊंगा। देखिए आपको लगता होगा, इधर नीचे दिखाइए जरा, कि यहाँ पे लगता है कि भैंस वगैरह और जानवर वगैरह बनती है, मगर उन्हीं के लिए बनाई गई है मुझे लग रहा है। और लोग यहाँ कि सरकार तो कुछ कर देगी नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ बाजार लगेगी ना कुछ होगा, क्योंकि सरकार के पास इतना रुपया फालतू है जो कुछ कर ही नहीं सकती। देखिए इधर कुछ क्या करेगी, उसने तो बस लॉन्च की योजना, बस चल गई, उसके बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और इधर देखिए आप, इस बोर्ड को दिखाइए, कब से इसमें 25 दिसंबर 2016, और इसमें लागत देखिए आप, इतने रुपए सरकार की धज्जियां, बाजार बन गई, इसे बाजार टूटने लगी है, मगर यहाँ बाजार अभी तक नहीं लगी। जरा बोर्ड जूम करके दिखा दिया। और देखिए दोस्तों, अगर आपको, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम करता हूँ, धन्यवाद।